जैसा कि आप देख ही रहे हैं, हमने सुलझाई पेंसिल की पहेली, पूरा हुआ मानव का सपना और हम निकले दक्षिण भारत की सैर पर। लेकिन उससे पहले सिर्फ 45 दिन। कल मेरा भूगोल का टेस्ट है और अभी तक मैंने उसकी तैयारी भी नहीं की। संचिता, तुम्हारी तैयारी करने से क्या फायदा जब भूगोल में तुम गोल हो और नंबर भी तुम्हारे गोल गोल ही आते हैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि गाय घास खाती है, लेकिन तुम पूरी दुनिया को इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बता रहे हो? अरे मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। गाय घास खाती है इसलिए? नहीं, पहले मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता था, लेकिन अब देखो मैं पढ़ सकता हूँ। गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, गाय हमारी माता है। इसमें कौन सी कोई बड़ी बात है? बहुत बड़ी बात है। कुछ महीने पहले मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। वहाँ पर ना टीचर आती थी और ना ही पढ़ाई होती थी। टीचर? टीचर कैसे गायब हो सकती है? अरे वाह, इनका स्कूल तो बहुत ही अच्छा है। काश मेरी भी टीचर मंडे को गायब हो जाए, फिर मेरे को भी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम्हारा स्कूल है कहाँ और तुमने अपना स्कूल कब बदलवाया और एक महीने में तुमने कल सुबह तुम 7 बजे मेरी बस्ती में आ जाओ और फिर जो पूछना है मेरी दीदी से पूछ लेना। राहुल ने हमें बताया प्रथम के बारे में। तो अब आप देखें कि मैंने और संचिता ने वहाँ पर क्या क्या सीखा। राहुल की दीदी से हमें प्रथम के बारे में पता चला। प्रथम हमारी गैर सरकारी संस्था है, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं। प्रथम पहुँचे तो देखा स्कूल में टीचर तो है, लेकिन बच्चे कहाँ हैं? अब चलिए बच्चों को लेने चले। हम तो यहाँ स्कूल शुरू होने से पहले बच्चों के घर जाते हैं और नहीं आते हैं तो रोज ही बुलाना जाना। अगले ही पर हम मार्टिना के साथ कई गलियों से होते हुए बच्चों के घरों में पहुँचे। राहुल, सुंदर, रोहित, जल्दी आओ। चलो अब टीचर भी हैं और बच्चे भी, लेकिन क्लासरूम कहाँ है? थोड़ी ही मेहनत के बाद वो भी तैयार हो जाता है। इन सब का ये पहला हफ्ता है और राहुल ने बताया था कि 45 दिनों में ये पढ़ना लिखना सीख सकते हैं, लेकिन अगर प्रथम ना होता तो क्या ये कभी पढ़ नहीं पाते? ये हमारे जैसे स्कूलों में क्यों नहीं जा पाते? मुझे लगा कि किसी एक के साथ अलग से समय बिताने पर मुझे इसकी समझ होगी। करुणा दीदी ने मुझे बताया अर्शीना के बारे में, जिसने प्रथम की मदद से पढ़ना शुरू कर दिया है। अभी मैं और करुणा दीदी अर्शीना से मिलने जा रहे हैं, जो पढ़ना सीख चुकी है। ये रहा अर्शीना का घर। अर्शीना को बुला दीजिए जरा। ये है संचिता। संचिता गई है अर्शिना से मिलने और मैं देखूंगी कि प्रथम में क्या और कैसे पढ़ाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं, 25-25 बच्चों को लेके एक क्लास बनाते हैं। उस क्लास में हमारे जो आते हैं 6 से 14 साल के बच्चे आते हैं, वो हम लोग जो हमारी प्रथम का मेथड है उस मेथड से हम लोग पढ़ाते हैं। मुझे कहीं से एक कंगन मिल। हमारा जो टारगेट होता है कि हमें 45 दिन में बच्चे को स्टोरी तक पहुंचाना है, वो हम कैसे पूरा कर सकते हैं? इसमें 5 स्टेप में डिवाइड होता है। ये जैसे कहानी होता है, उसके बाद वारा खड़ी, फिर शब्दों का खेल, फिर कुछ भी बोलो, कुछ भी लिखो। और ये 5 स्टेप जो हैं हमें क्लास में 3 घंटे डेली यूज़ करने होते हैं। पहली क्लास में मात्र 50 और आज का क्लास में करीब 250 बच्चे हमारे पास। टीचर्स यही कम्युनिटी की होती हैं जिनको हम लोग इकट्ठा करते हैं, ट्रेनिंग के बाद में यहाँ पर ये क्लासेस चलाते हैं। क्योंकि MCD स्कूल में क्या करते हैं कि जो पूरा साल उनको लग जाता है पढ़ाते में, लेकिन हमारे जो प्रथम में है हम लोग 45 दिन के अंदर बच्चे को वारा खड़ी के जरिए किताब पढ़ना सिखा देते हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि सिर्फ 45 दिन में पढ़ना आ सकता है।
पर ध्रुव, क्या तुम्हें पता है कि एक पेंसिल 70 मीटर तक लंबी रेखा खींच सकती है? मुझे लगता है तुम अभी अभी सत्या से मिल के आ रही हो। पढ़ते वक्त अचानक मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अनिल भैया उठो, ये पेंसिल कहाँ से आती है? पेंसिल दुकान से। फिर शुरू हुआ हमारे पेंसिल का सफर। अंकल, आपके पास ये पेंसिल कहाँ से आती है? बेटा, होलसेलर यानी कि थोक विक्रेता से आता है। तो होलसेलर हमें कहाँ मिलेगा? बेटा, उनका टेम्पो आता है, आप उसके अंदर जा सकते हैं। अब हम थोक हमारे घर के पास जो स्टेशनरी वाली दुकान है उसमें तो अंकल ने बताया था कि सारी पेंसिल आपके पास से ही आती है, तो क्या सारी पेंसिल आपके पास से ही आती है? हाँ बेटे, जो रिटेलर शॉप होते हैं वो पेंसिल हमसे लेके जाते हैं और हम पेंसिल लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटर से। तो हम डिस्ट्रीब्यूटर के पास कहाँ से जाएं? हाँ बेटा, मैं आपको उनका पता दे देता हूँ, आप उनके पास चले जाइए। तो बेटा चलो। सत्या, यहाँ स्टेशनरी का सारा सामान आता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पेंसिल कहाँ से आती है तो उसके लिए आपको फैक्ट्री जाना पड़ेगा। उनकी गाड़ी यहाँ पे रोज आती है, वो आपको सीधा फैक्ट्री ले जाएगी। हाँ सत्या, आपको तुम्हें पता लग गया ना पेंसिल कहाँ से आती है? चलो आप घर चलते हैं। नहीं नहीं, अभी तो फैक्ट्री जाना है। ओ सत्या, कौन है? अरे इतनी सारी पेंसिलें, आपके पास इतनी सारी पेंसिल कहाँ से आती है? बेटे, पेंसिल की फैक्ट्री है, पेंसिल यहाँ पर बनती हैं। लेकिन एक पेंसिल और इतनी बड़ी फैक्ट्री? बेटे, ये एक पेंसिल बनाने के लिए एक महीना लगता है। महीना? और एक दिन में 2 लाख पेंसिल बनती हैं। ये है पैकिंग सेक्शन, देखो कितनी तेजी से पैकिंग कर रहे हैं। और हाँ, एक बार में पूरी 10 पेंसिल ही इनके हाथ में आती है। पैकिंग से पहले इसमें नाम छपता है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ नाम कैसे छपता है। खट 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 खट, तो ऐसे होती है पेंसिल पर छपाई। कभी आपने सोचा है कि पेंसिल रंगीन कैसे होती है? उन पर रंग चढ़ाया जाता है, और कितनी बार? एक बार, 2 बार, 3 बार, जी नहीं, पूरी 10 बार। सबसे आखिर में पेंसिल के सर पर रंग चढ़ाया जाता है, जिसके लिए पेंसिलों को एक खांचे में अच्छे से कस कर रंग में डुबोया जाता है। रंग चढ़ने से पहले पेंसिल एक पट्टी के आकार में होती है। एक पट्टी में कई पेंसिल होती है। ये पट्टी भी 2 पट्टियों को जोड़कर बनाई जाती है, जिनके बीच लेड डाला जाता है। वैसे ही जैसे हम सैंडविच बनाते वक्त एक के ऊपर एक ब्रेड रखते हैं। ये है ग्रेफाइट, जिसे पानी में मिलाकर नरम किया जाता है ताकि लेड बनाया जा सके। ये लेड बहुत तेजी से मशीन से बाहर आता है। वहाँ काम करने वाले भैया ने बताया कि इसकी गति बंदूक की गोली जितनी होती है। और ये है वो लकड़ी जिससे पेंसिल बनती है। मुझे ये जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये एक खास किस्म के पेड़ की लकड़ी होती है, जो दूर केरल में पाए जाते हैं। पेंसिल की फैक्ट्री पहुँचे तो मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक छोटी सी पेंसिल के लिए इतनी बड़ी फैक्ट्री। और उससे ज़्यादा आश्चर्य तो तब हुआ जब पता चला कि एक पेंसिल बनने में पूरा 1 महीना लगता है, जिसके दौरान उसे 72 चरणों से गुजरना पड़ता है, और एक दिन में 2 लाख पेंसिलें बनती है। लो अब अनिल भैया को देखो, पहले तो मेरे साथ आने को तैयार नहीं होते हैं और आ जाते हैं तो वापस जाने का नाम नहीं लेते। यस बॉय बॉय। अर्शीना ने मुझे अपने परिवार से मिलवाया।
अर्शीना की 8 बहनें हैं और 4 भाई हैं। अर्शीना अपनी बहनों में पहली लड़की है जिसने पढ़ना सीखा। जब आप छोटी थी तो आपका भी मन करता था स्कूल जाने का? बहुत मन करता था हमारा स्कूल जाने का। औरों को देखते थे ना कि बच्चे पढ़ने जा रहे हैं तो हमारा बहुत दिल करता था, लेकिन हम नहीं पढ़वाए, हमारी मम्मी ने मना कर दिया। भाई हमारे पास इतनी पैसों की तो इतनी वो नहीं है आमदनी, मजदूरी करते हैं, राजगिरी का काम करते हैं और फिर भाई खर्चा भी डबल है, 15-16 जने खाने वाले हैं। अब घर का पेट का खर्चा करें या क्या नाम है पढ़ाई करें, किधर से गरीब इंसान किधर से पढ़ा पाएगा। अब जैसे कि मुफ्त पढ़ाई हो रही है हमें बहुत अच्छा लगा, पैसे भी नहीं जा रहे हैं हमारे। हम तो चाहते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख जा। तो सबसे पहले किसने बोला पढ़ने के लिए? मैंने। क्यों? क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पढ़ लूँ, बहुत इतना पढ़ लूँ कि काम आ जाए। तो प्रथम के बारे में तुम्हें कैसे पता चला? कि वो जो मेरी सहेलियाँ हैं बहुत सारी वो भी जाया करती थी तो उन्होंने बताया था, तो मुझे है ना कुछ भी नहीं आया, कुछ भी नहीं ना आई कुछ नहीं, तो मैंने जाना शुरू कर दिया, तब आ गया मुझे सब कुछ। हमारे पापा तो हमसे खुद लिखवाते हैं कि ये लिखो और ये लिखो, जैसे हिसाब जोड़ते हैं पढ़ाई लिखाई से, और चिट्ठी पढ़ लेते हैं, नाम बता देते हैं कि ये क्या लिखा है, फ़ोन नंबर लिख देते हैं। आज से पहले मैंने अपनी शिक्षा को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था, लेकिन अर्शीना के साथ बिताए उन थोड़े पलों में मुझे शिक्षा का सही महत्व समझ में आ गया। बहुत खुश होते हैं देख के कि हाँ ये हमारी लड़की आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है। मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी बड़े होकर टीचर बनूँ और सब बच्चों को पढ़ाऊँ। टीचर बनने का जो ख्वाब होता है वो तभी इंसान कर सकता है कि जब तक उसके पास कुछ प्रूफ ना हो कि वो कितना पढ़ा हुआ है और कितना नहीं पढ़ा हुआ है ना, तो उसके लिए तो बच्चों को हमको MCD स्कूल में भेजना पड़ेगा कि कम से कम प्राइमरी तक की क्लास ले, फिर आगे के लिए फिर आगे पढ़ाई। छोटी छोटी दोनों लड़कियों का करवा देंगे। मैं जिशान और अफाक के साथ उनके सरकारी स्कूल जा रहा हूँ। यहाँ मुझे खास महत्व दिया गया, खुद हेडमास्टर ने मुझे स्कूल दिखाया। क्योंकि हमारे यहाँ संख्या ज़्यादा है और टीचर्स की कमी है, इसलिए किसी भी टीचर्स के पास में 50 से कम बच्चे नहीं हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक कारणों की वजह से स्कूल नहीं आ सकते, ऐसे में इन बच्चों को प्रथम से बहुत सहायता मिल रही है। प्रथम के कार्यकर्ता इन बच्चों को गली गली से इकट्ठा करके इनको पढ़ना सिखाते हैं। जब ये बच्चे पढ़ना सीख जाते हैं तब प्रथम इनके परिवार के लोगों को समझा बुझा के बच्चों का सरकारी स्कूल में दाखिला करा देते हैं। गरीब परिवारों से हमारे यहाँ बच्चे आते हैं, आपने देखा होगा कि सभी बच्चों के पास यूनिफॉर्म ठीक से भी नहीं है, कई बच्चे पढ़ना छोड़ देते थे आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, हेल्प करते थे अपने माँ बाप की। ऐसे में बच्चों को जब से हमारा मिड डे मील मिलने लगा है तब से बच्चों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। कई बार इन बच्चों के घरों में खाना नहीं बनता, बच्चा भूखा ही चला आता है और उसे कई घंटे भूखा रहना पड़ता है। मिड डे मील जो इस स्कूल में ही नहीं बल्कि दिल्ली के सभी सरकारी स्कूलों में दिया जाता है, ऐसे बच्चों के लिए एक पौष्टिक आहार का साधन बन जाता है। पहले सरकारी स्कूलों के बारे में मेरी अच्छी राय नहीं थी, लेकिन यहाँ आकर मैंने जाना कि ये स्कूल शिक्षा को और मजबूत कर रहे हैं। ऐसे में ये ज़रूरी हो जाता है कि सरकारी स्कूलों को मदद दी जाए और इसीलिए प्रथम का महत्व और बढ़ जाता है। तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगा, अब अगली बार मिलेंगे। आज यहाँ पर पूरा दिन बिता के काफ़ी जानकारी मिली, अब देखते हैं कि संचिता क्या कर रही है। ये बहुत ही मज़ेदार था कि सभी बच्चे बड़े मज़े से पढ़ाई कर रहे थे और मैं भी उनके साथ क्लास में शामिल हो गई। अरे इतना सुंदर पौधा, इसके लाल लाल कोपले। और बच्चों ने मुझे अपनी किताबें चेक कराने के लिए भी दी।
मुझे फुटबॉल खिलाड़ी बनना है, मुझे फुटबॉल खिलाड़ी बनना है, जैसे तुम पहले पायलट बनना चाहते थे। मुझे फुटबॉल खिलाड़ी बनना है, मुझे फुटबॉल खिलाड़ी बनना है। मेरा नाम मानव है, मैं बड़ों के फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। मैं 11 साल का हूँ। मेरी सबसे बेस्ट टीम है मैनचेस्टर यूनाइटेड और सबसे अच्छा प्लेयर है रोनाल्डो। सुबह उठकर मैं दौड़ लगाता हूँ और फिर अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलता हूँ। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं टीवी ऑन करता हूँ, फुटबॉल मैच देखता हूँ। मेरा नाम कुशाग्र है, किशु बुलाते हैं मुझे लोग, और मैं बड़े होकर फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। मैं 13 साल का हूँ, मैं अपने स्कूल में 4 साल से खेलता हूँ, और फिर मेरा फेवरेट प्लेयर पोर्टुगल का रोनाल्डो है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं आज टेरी से मिलने जा रहा हूँ जो कि एक फुटबॉल प्लेयर है, उनसे मिलने पर मुझे फुटबॉल प्लेयर बनने में बहुत मदद मिलेगी। टेरी एक प्रोफेशनल फुटबॉलर है और मुझे लगता है कि आज उसके साथ दिन बिताने से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हाय टेरी। हेलो, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हूं। तो आप लोग फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं? हाँ। तो आप अभी अभी आए ग्राउंड में? हाँ। तो आपने वार्म अप किया? नहीं। ओके, लेट्स गो टू वार्म अप। जब मैं पहली बार टेरी से आया था तो मैं बहुत नर्वस था, फिर जब उसने मुझे एक्टिविटीज करवाई तब मैं ठीक था, मुझे वो बहुत कॉन्फिडेंट था। अब हम स्किल वर्क करेंगे, ठीक है? बिकॉज आपकी एज में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वही है। आज हमने जितना वर्कआउट किया सारा बॉल के साथ किया, विदाउट बॉल हमने सिर्फ वार्म अप किया था, है ना? इसके बाद अभी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जो विदाउट बॉल होती है, बट उसके लिए अभी तुम्हारी एज नहीं है, मानव की तो बिल्कुल भी नहीं है, और तुम्हारी भी अभी इतनी एज नहीं है उसके लिए। तुम अभी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वर्क कर सकते हो, नहीं तो बड़े होके यू डोंट गेट स्किल्स, यू गेट स्ट्रेंथ एंड यू गेट एक्सपीरियंस। अब मैं जितना स्किल मेरे अंदर है दैट इज़ फिक्स, अब मैं उसे और गेन नहीं कर सकता। अब मैं जो गेन कर सकता हूँ वो है स्ट्रेंथ, अपनी बॉडी में स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस। मैं जितना खेलूंगा मेरे को एक्सपीरियंस गेन होगा, है ना? स्किल ऑल्सो आई विल गेन, बट इतना नहीं गेन करूंगा जितना तुम गेन कर सकते हो, बिकॉज यू आर स्मॉल। अभी इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए स्किल्स के ऊपर। फुटबॉल प्लेयर बनने के लिए जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सबसे पहले आपकी फैमिली सपोर्ट आपको बहुत ज़रूरी है। यू नीड द डेडिकेशन, डिवोशन, यू नो, फॉर द गेम। हम लोग क्या करते हैं, स्कूल में क्लास बंक कर ली, हाँ। और सुबह फुटबॉल खेली और हॉस्टल में जाके सो गए, फिर उसके फिर हमें क्लास बंक करने का बहाना मिल जाता है। तो उस समय हम फुटबॉल नहीं खेल रहे, हम फुटबॉल को यूज़ कर रहे हैं। अगर आपका 8 बजे स्कूल शुरू होता है तो आपको 6 बजे ग्राउंड में जाके 8 बजे तक प्रैक्टिस करके फिर आपको स्कूल में जाना है। फॉर एग्जाम्पल अभी तुम स्कूल में खेल रहे हो,
फिर जब तुम स्कूल में खेलते खेलते कभी टूर्नामेंट में खेलने गए तो तुम्हें कोई क्लब अगर देख लेगी जहाँ बहुत अच्छा खेलता है मानव, नहीं वो फिर तुम्हें अडॉप्ट कर लेगा क्लब, तो फिर वो तुम्हें पे करेगा खेलने के लिए, आगे जाके तुम्हें जॉब भी मिल सकती है जब तुम्हें जॉब डिपार्टमेंट वाले देखेंगे कि अच्छा खेल रहा है ये हमारे डिपार्टमेंट में होना चाहिए, और अगर तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो फिर यू कैन गो एंड प्ले इन गुड क्लब्स एंड बिग क्लब्स, फॉर एग्जांपल मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, टॉलीगंज, देयर आर लॉट ऑफ क्लब्स। तुम हमेशा फुटबॉल के बारे में तुम्हें सोचना, मैंने आज ग्राउंड में क्या किया क्या नहीं किया, ये कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ, मेरे को इस अपने वीकर पार्ट को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना चाहिए, तो तुम्हें प्रॉपरली डेडिकेशन मीन्स दैट। बस मुझे एक ऐसा स्कूल चाहिए जिसमें एक फुटबॉल फील्ड और एक अच्छा कोच। तेरी तो बहुत अच्छा प्लेयर है मेरे हिसाब से, वो स्पैनिश लीग में रुई कोस्टा के अंदर ट्रेनिंग की है उसने, तो उसके मतलब उसके ये सब बोलने से मुझे साहस मिला है थोड़ा बहुत खेलने तक, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। इंडिया में ज़्यादा वैसे फ्यूचर नहीं लगता, पर इन फ्यू ईयर्स शायद हो पाएगा, जहाँ पर स्पैनिश या इंग्लैंड यहाँ पर जाने पर बहुत अच्छी फुटबॉल फैसिलिटीज मिलती हैं और काफ़ी अच्छी इनकम भी होती है। मैं अब तो जरूर बड़े होकर फुटबॉल प्लेयर बनना चाहता हूँ। यस बॉय बॉय। इस अनुभव से हमें शिक्षा के महत्व का एहसास हुआ, लेकिन फिर हमने सोचा क्या हम बच्चे इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, और फिर हुआ एक और कमाल। ध्रुव संसीदा मां नाम संतोष है, गाँव बसपुरा, कक्षा में 5 में पढ़ू, 5वीं बाल संसद की प्राइम मिनिस्टर। बाल संसद ने इसलिए शुरू किया कि बच्चन को अधिकार पूरे मिल सके, एक तो पढ़ाई, स्वास्थ्य, खेलकूद, सबने बोलबा को अधिकार। गिलोनिया के बच्चे पढ़ते तो हैं, लेकिन एक अलग अंदाज के साथ, ये पढ़ाई के साथ साथ चलाते हैं अपना पूरा स्कूल। भाई जो बच्चा ने दिन में मौको नहीं मिल रही हो पढ़बा को, तो बन रात में भेज सके। दिन में ये अपने जानवरों को चारा खिलाते हैं, घर का काम करते हैं और पूरे दिन की मेहनत के बाद शाम को अपने स्कूल जाते हैं। सब कुछ है इन बच्चों के हाथ में, कौन इन्हें पढ़ाएगा, ये क्या पढ़ेंगे और कैसे पढ़ेंगे। स्कूल के बच्चे ही बनाते हैं अपनी एक बाल संसद, जिसमें 14 मंत्री होते हैं जो किताबों, पेन, पेंसिलों के साथ साथ अध्यापकों पर भी नजर रखते हैं। ध्रुव संजीता, मेरा नाम कमलेश है, मैं रात के स्कूल में पढ़ती हूँ, बाल सांसद बन के मैं शिक्षा मंत्री बनी। एक तो गृह मंत्री, एक वित्त मंत्री, एक लोकसभा अध्यक्ष, एक कृषि पालन मंत्री, एक पर्यावरण मंत्री, एक जल मंत्री, एक उद्योग मंत्री, एक महिला मंत्री, एक ऊर्जा मंत्री, एक शिक्षा मंत्री। बाल संसद का काम ये भी है कि कहीं स्कूल की मांग हो कोई भी गांव में, वो गांव वाले के साथ बैठ के बात करते हैं, फिर तो मीटिंग करते हैं और फिर वहां पे कार्यकर्ता के साथ भी मीटिंग करते हैं, फिर वहां पे स्कूल चलाते हैं। जो भी बाल संसद में स्कूल देखवा जावे, जी स्कूल में काकी कमियों ने तो मैं मीटिंग में बताऊँ भी कमी। ऐसी कोई बात नहीं है कि बच्चे कुछ नहीं कर सकते, बच्चे सब कुछ कर सकते हैं। तो ये है तिलोनिया की बाल संसद, बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा, बच्चों की। तिलोनिया के बाल संसद को देखने के बाद हमें ये विश्वास हो गया है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। सोचो एक ऐसी दुनिया जिसे सिर्फ और सिर्फ बच्चे चलाते हो। क्यों संचिता, हमारा प्रोग्राम भी कुछ ऐसा सही है। एकदम, और अब चलिए दक्षिण भारत के जंगलों में सैर करने के लिए। हाय, मेरा नाम आदिति है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मेरी कहानी स्मॉल वर्ल्ड पर दिखाएंगे। ये अभय है, मेरा छोटा भाई। रंगन टू बर्थ सेंचुरी पहुंचने में हमें 1 घंटा लगा। जब हम पहुंचे अभय गहरी नींद में था। ये मेरी मम्मी है, उसे गोद में लिए। अंदर जाते ही मैंने अपनी पहली चिड़िया देखी एक बड़े से पेड़ पर। यहाँ पर बहुत मोटे और बड़े बांस भी देखे। आगे जाकर एक तालाब देखी
जब हम अपनी नाव का इंतजार कर रहे थे तो बहुत सारी मछलियां देखी बिल्कुल मेरे पैर के पास। चारों तरफ हमारी तरह काफी लोग थे, सब घूमने के लिए आए थे। जैसे ही हम नाव में बैठे तो अभय की नींद खुली और उसको लगा कि ये ऊपर नीचे कूदने के लिए बढ़िया जगह है। इतने में मैंने एक चमगादड़ देखा। माँ ने बताया कि इसे फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। हमारी नाव अब जंगल के घने इलाके तक पहुंच चुकी थी। नाव चालक ने हमें बताया कि रंगत टू सेंचुरी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत पक्षी, बिल्ली, नीवले, चमगादड़ और मगरमच्छ हैं। दूर एक चट्टान पर हमें हमारा पहला मगरमच्छ दिखा। कितना बड़ा था, नाव से मूर्ति की तरह दिख रहा था। हमारी नाव उसके इतने पास ही गुजरी कि मैं उसे छू सकती थी। अभी भी मगरमच्छ को देखकर काफी खुश हो गया। तभी हमारी नजर एक बहुत अजीब पक्षी पर पड़ी। लंबी चोंच, सफेद रंग और पंखों पर कहीं कहीं गुलाबी और काला रंग। मेरे पापा ने बताया कि इसे पेंटेड स्टॉक कहते हैं। पापा ने कहा कि अब घर वापस जाना है। मेरे को यहाँ से बिल्कुल जाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन सब पक्षी अपने अपने घरों और घोंसलों के अंदर लौट रहे थे। हमारी नाव जब तालाब के किनारे पहुंची तो कई लोग सेंचुरी से बाहर जा चुके थे। ये दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। आशा है कि आप लोगों को भी मजा आया। मम्मी पापा धन्यवाद। क्या आपकी भी कोई कहानी है, कोई ऐसी बात जो आप हमें बताना चाहते हैं, तो लिख भेजिए हमें इस पते पर स्मॉल वर्ल्ड पोस्ट बॉक्स नंबर 7586 वसंत कुंज नई दिल्ली 110070। तो फिर मिलेंगे अगले हफ्ते।